एक्ट्रेस जूही परमार टीवी के बाद ओटीटी की दुनिया में कदम रख चुकी हैं। जूही के शो ये मेरी फैमिली का तीसरा सीजन ओटीटी पर आ चुका है। ये शो अमेजोन प्राइम मिनी पर फ्री में स्ट्रीम हो रहा है, जिसे फैंस आसानी से देख सकते हैं। इन दिनों जूही परमार कई इंटरव्यू दे रही हैं, जिसमें वो अपने शो के साथ साथ टीवी वर्सेस ओटीटी पर खुलकर बात कर रही हैं। जूही ने अपने शो में 90 के दशक वाले टच के साथ बताया कि टीवी और ओटीटी में क्या अंतर है और कैसे दोनों अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है। दरअसल जूही परमार से पूछा गया कि आज के समय में 90 के दशक से लोग जल्दी कनेक्ट हो रहे हैं, ये मेरी फैमिली के नए सीजन में बाकी सबसे अलग क्या बात है। जूही परमार ने कहा, मुझे लगता है कि 90 के दशक से कनेक्ट होने वाले बहुत ज्यादा सोच नहीं है। हाँ, लोग 90 के दशक से कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि लोगों ने अब मान लिया है कि वो गोल्डन एरा था। उन दिनों में मासूमियत थी और हर चीज पर्सनल थी। अब लोग उन चीजों को मिस कर रहे हैं। आज के समय में हर चीज काफी ज्यादा सोशल मीडिया और ऑनलाइन हो गई है। लोग अब ह्यूमन कनेक्शन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। अब लाइफ काफी लार्जर है, लेकिन पहले बहुत सिंपल हुआ करती थी, इसी वजह से लोग उस वक्त से कनेक्ट होते थे। इस इंटरव्यू में जूही परमार से पूछा गया कि क्या आज के समय में ओटीटी बढ़ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि एक वक्त में आकर ओटीटी टीवी पर भारी हो सकता है। जूही ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये अभी कहना बहुत मुश्किल होगा। कोई नहीं जानता कि 10 साल बाद क्या होगा। कोई 20 साल पहले नहीं जानता था कि टीवी आज राज करेगा। इसी वजह से फ्यूचर में किंग कौन होगा, ये कहना मुश्किल होगा। ये बात सच है कि आज ओटीटी के दिन चल रहे हैं। इसका कारण यह है कि ओटीटी सीरीज का कोई समय नहीं होता। आप कभी भी देख सकते हैं और बंद कर सकते हैं। ये कुछ ही एपिसोड में खत्म हो जाते हैं। यही चीजें लोगों को अच्छी लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि टीवी का चार्म खत्म हो गया है। ऐसा होता तो अनुपमा कभी हिट नहीं होता। ये शो ग्लोबली हिट हुआ है। जब कुछ नया आता है तो उसकी बात ज्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने दिन खत्म हो गए हैं।